संजय पासवान जी के पास चलता हूँ। संजय पासवान जी, अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच का फासला बड़ा होता है तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार के पास मोरल राइट है कि वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा सीटें लड़ी है नीतीश कुमार ने? देखिए, हम लगातार कहते हैं, हमारे नेता लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में भी गठबंधन हमारा रहेगा। मैं लगातार बोलते हैं, हमारे नेता भी मंच से लगातार बोलते आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मजबूती से खड़ा है, आज भी है, कल भी रहेंगे और लगातार रहेंगे। के शर्मा जी, आप क्या कहेंगे अगर नीतीश कुमार खुद कह देते हैं कि भाई अब देखिए शायद लोगों का भरोसा मुझ पर ना हो, डिस्टेंट नंबर टू रह रहा हूँ, बीजेपी से मेरी जनता दल यूनाइटेड ज्यादा सीटें लड़ने के बाद भी बहुत पीछे है, ऐसे में क्या होगा के शर्मा जी? देखिए, मैं दीपक जी आपको पहले कहूं कि आपने कहा कि वो खुद कह देते हैं, अभी ये तो बिल्कुल ही मतलब भविष्य की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बताता हूं। मैं एक संभावना जता रहा हूं के शर्मा जी, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा 2000 ना, आप मेरी बात सुन लें, 2005 की आप कंडीशन देख लें, 2005 में सबसे बड़े दल 91 सीट के साथ हम थे, हमसे जो है जेडीयू पीछे था, लेकिन फिर भी हमने मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बनाया। तो ये तो हम अपने कमिटमेंट, मैंने कहा ना कि भाजपा अपने गठबंधन धर्म के पालन में कभी पीछे नहीं रहती, हम कांग्रेस नहीं है, यही गलत फहमी है लोगों को, ठीक है, हम कांग्रेस नहीं है। जिम्मेदारी तो अगर जेडीयू किसी से कम आती है के शर्मा जी, तो जिम्मेदारी तो किसी की बनेगी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनेगी नीतीश कुमार की दीपक जी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वही उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी भी और जेडीयू भी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं, देखिए बेनीपट्टी सीट से विनोद नारायण झा आगे चल रहे हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, और साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि सुपौल से जितेंद्र प्रसाद यादव पीछे चल रहे हैं। जी हां, जेडीयू के जितेंद्र प्रसाद यादव पीछे चल रहे हैं, और नीरज सिंह बबलू छातापुर से आगे चल रहे हैं, नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं झंझारपुर से, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, दो बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इस बार प्रबल दावेदार हैं वो झंझारपुर सीट से। लेकिन बड़े चेहरे पुष्पमप्रिया चौधरी की हम बात कर लेते हैं एक बार दीपक जी, क्योंकि पुष्पमप्रिया चौधरी शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव पीछे चल रही है, और पीछे चल रही पप्पू यादव मधेपुरा से पीछे चल रहे हैं। हाँ, बार बार दीपक जी की नजर पप्पू यादव पर है, और पप्पू यादव आगे चलते हैं पीछे चलते हैं वो लगातार, पप्पू यादव जी हम आपको बताते रहेंगे, आप न्यूज नेशन देखते रहिए। पुष्पमप्रिया चौधरी ने माहौल बना दिया था, और ऐसे स्टार की तरह वो आई दीपक जी, बिस्पी सीट से वो चुनावी मैदान में है, और बाकीपुर सीट से वो चुनावी मैदान में, सीटों पर दोनों भी पीछे चल रहे। लेकिन क्या वो कम से कम वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर? सरकार के 10 बड़े मंत्री पीछे चल रहे हैं, मंजू वर्मा जो मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड में फंसी थी, जिनके टिकट देने पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, कृष्ण नंदन जहानाबाद से पीछे चल रहे हैं, मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर की शहर की एक सीट है उससे पीछे चल रहे हैं, मधेपुरा से पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं, और देखिए 10 मंत्री नीतीश सरकार के 10 मंत्री पीछे चल रहे हैं, तो ये नीतीश सरकार के लिए संकट वाली बात, नीतीश कुमार के लिए संकट वाली बात। लेकिन फिलहाल जो अंक गणित है वो एनडीए के फेवर में, 124 सीटों पर एनडीए आगे है, 110 सीटों पर महागठबंधन आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी 5 पर है, आदर्श 2 पर है, और बड़ी तेजी से काउंटिंग अब आगे बढ़ती जा रही है। 10:40 का वक्त होने वाला है, 10:33 हो रहे हैं, और 10:33 तक जो रुझान हमको मिल रहे हैं उसके हिसाब से एनडीए ने थोड़ा सा एज बनाए रखा है, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं आखिरी ओवर तक मैच जाएगा, अगर चाहे तो सुपर ओवर भी हो सकता है, आजकल बिल्कुल सुपर ओवर हो सकता है, क्योंकि देखिए 2015 में हमने देखा था कि कैसे बाजी पलट गई थी, क्या इस बार फिर से बाजी पलट जाएगी? अभी तक जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं एनडीए के आगे नजर आ रहे हैं, आंकड़े में एनडीए आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी 110 पर यानी कि पीछे बहुत है नहीं, तो क्या आरजेडी जो है आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन वो क्या मुकाबले में आगे निकल जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, कुछ और देर का इंतजार हमें करना होगा क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। लेकिन कम से कम इस वक्त देखिए कुछ जगहों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे, श्रेयसी जमुई से आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव राधोपुर से आगे चल रहे हैं, और बिहार में कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव जो कि महुआ सीट छोड़कर
हसनपुर चले गए, वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि कमजोर कड़ी जो बार बार कहा जा रहा था लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, क्या वो कमजोर कड़ी साबित होंगे? चुनाव प्रचार में भी बहुत ज्यादा सक्रिय वो नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि तेजस्वी यादव ने 21 दिन में 251 रैलियां की, तेज प्रताप यादव उतने चर्चा में नहीं थे, वो कहीं ना कहीं अपनी सीट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे या फिर कुछ ऐसी सभाएं और ऐसी रैलियों में नजर आ रहे थे जहां पर लीड कर रहे थे तेजस्वी यादव। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव के पोस्टर और बैनर पर ही आरजेडी ने इस बार चुनावी मैदान में चुनाव जीतने की कोशिश की है, और ये जो बढ़त आरजेडी के लिए है या फिर महागठबंधन के लिए, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि माने या न माने तेजस्वी यादव को लेकर एक उत्साह दिखाई दे रहा था, और ये जो बढ़त इस वक्त रुझानों में हम देख रहे हैं, तो आप ये भी समझिए कि जो वो भीड़ दिखाई दे रही थी रैलियों में, जो लोग पहुंच रहे थे, युवा पहुंच रहे थे, और वो उस वर्ग के वोटर पहुंच रहे थे जो एक वक्त में लालू यादव के साथ थे, वो तेजस्वी यादव के साथ शायद हैं, इसलिए रुझान में 111 आरजेडी प्लस और बीजेपी 123। रुझानों में हम आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी सिवान से आगे चल रहे हैं, लालटेन के टिकट पर वो चुनावी मैदान में हैं, और मोकामा से आगे चल रहे हैं अनंत सिंह। जी हां, मोकामा में दीपक जी क्योंकि गया था वहां पर, अलग अलग जगहों पर मैंने लोगों से बात की, मैंने तो कहा था लोगों से, वोटरों से मैंने सवाल पूछा था, बुजुर्गों से सवाल पूछा था कि भाई आप ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे कैंडिडेट के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं जो जेल में हो, जिसके ऊपर अपराध के बहुत सारे मामले हो, लेकिन लोग साथ खड़े हो गए थे। आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि 123 सीट पर बीजेपी प्लस आगे चल रहे हैं रुझानों में, आरजेडी 111, एलजेपी का आंकड़ा वही रुका हुआ है, 4 कभी 5 कभी 4 कभी 5, और अन्य के खाते में 2 सीट। बिहार में कांटे की टक्कर है, और इस बात की संभावना पहले से जताई जा रही थी कि बिहार में इस बार का जो चुनाव होगा वो एक नजरिया पेश करेगा, नया एक नया समीकरण पेश करेगा, तो इस बार बिहार के चुनाव में जो कम से कम अभी के रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसा ही लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो रही है। हालांकि इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है, लेकिन यह आंकड़ा कभी भी बदल सकता है, क्योंकि अभी जो तमाम ईवीएम है वो खुले नहीं है, तमाम राउंड्स की जो काउंटिंग है वो अभी हुई नहीं है, तो यानी कि शुरुआती राउंड में कम से कम जो रुझान आ रहे हैं उसमें यह पता चल रहा है कि बीजेपी और उनके सहयोगी जो पार्टी है वो आगे चल रहे हैं, और इसी वजह से 123 सीट पर बीजेपी प्लस आगे चल रहे हैं। मीम अमजद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीम अमजद साहब, हम अगर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव को लेकर क्रेज दिखाई दे रहा था, कांग्रेस के पास ये एक बड़ा मौका था कि कांग्रेस ने जो अपनी जमीन बिहार में खोई थी उसको वो वापस पा ले, क्योंकि जेडीयू कमजोर हो रही थी और बीजेपी ने सीधे सीधे अपना चुनावी चेहरा कोई उतारा नहीं था। मेरे ख्याल में आप जो बात कह रहे हैं, आप जो सवाल हमसे कर रहे हैं वो सही सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए। और हम शुरू से ये बात कहते आए हैं कि हम आरजेडी के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। जाहिर है कि यहाँ पर बिहार के अंदर हम नंबर वन पार्टी नहीं हैं, हम छोटी पार्टी हैं, तो हमको उसी जो प्रक्रिया है उसको निभाना है। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी जो एक वक्त थी उसने ये मान लिया कि बिहार में वो सबसे छोटी पार्टी हो गई। 70 सीट आपने मांगे, तेजस्वी यादव ने 70 सीट एक बार कहने पर आप लोगों को दे दिया, लेकिन अभी रुझान में वो 70 सीटों में भी आप लोगों की स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत खराब है। देखिए, हमने पिछली बार जो सीटें हासिल की थी उस वक्त भी हमारे बारे में यही कहा गया था कि हम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देंगे, लेकिन आपने देखा कि परफॉर्मेंस दिया। जहां तक लोकसभा का सवाल है, लोकसभा के अंदर मैं समझता हूँ सभी का नुकसान हुआ था और बीजेपी और गठबंधन को ज्यादा फायदा पहुंचा। ठीक है, के शर्मा, तो हाथ उठाकर बैठे हुए हैं, उंगली उठाकर वो कुछ कहना चाहते हैं। के शर्मा, आप जवाब देना चाहते हैं मीम अफजल साहब को? देखिए, मीम साहब बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन वो वास्तविकता से अपने आप की आंखें जो है चुरा रहे हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो है जीरो हो चुकी है इस देश में। इनके जो राष्ट्र विरोधी कर्म हैं और बयान हैं, उन्होंने देश की जनता के बीच में इनकी विश्वसनीयता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, और ये पूरे देश भर में सबसे पिछलग्गू पार्टी की स्थिति पर है। तो इनको आत्मचिंतन करना चाहिए, मैं सुझाव दूंगा इनको, हालांकि बिना मांगे सुझाव दे रहा हूँ। लेकिन चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो
चाहे आप महाराष्ट्र का देख लें, चाहे कहीं भी देख लें। ये अच्छी बात है के शर्मा जी, इसके अलावा ये कुछ नहीं। आप पहले कह रहे थे कि कांग्रेस को साफ करना है देश से, अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आपको चिंता हो रही है, आप कांग्रेस को कुछ सजेशंस देना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने सहयोगी राकेश के पास चलता हूँ। वीवीआईपी सीट नहीं, मैंने सजेशंस नहीं, मैंने सुझाव। हाल क्या है, मैंने सुझाव के शर्मा साहब एक बार देख लेते हैं, जो वीवीआईपी सीट्स हैं उनका हाल क्या है, वहां पर कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। राकेश बिल्कुल भेजा सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि जिन बड़ी सीटों पर नजर है उन बड़ी सीटों को लेकर स्थिति क्या है। तकनीक के जरिए हम लगातार जो सीटों की अपडेट है, बड़ी सीटों की अपडेट वो अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो इस स्क्रीन के जरिए सबसे पहले चर्चा सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट राघोपुर की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तेजस्वी यादव जो कि लालू यादव के छोटे बेटे हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। उनके मुकाबले हैं सतीश यादव, राबड़ी देवी को हरा चुके हैं सतीश यादव, सीएम उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव। इस वक्त स्थिति क्या है, स्टेटस हम देख लेते हैं, और स्टेटस ये है कि तेजस्वी यादव के लिए थम्सअप है, तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, थम्स डाउन है सतीश यादव के लिए। तो ये स्थिति है। इसके साथ ही राघोपुर की चर्चा हमने कर ली। राघोपुर के अलावा एक और जो बड़ी सीट है वो हसनपुर है, और यहाँ से चुनावी मैदान में है कौन, खुद तेजस्वी के बड़े भाई यानी तेज प्रताप यादव, उनके मुकाबले हैं राजकुमार राय जो कि जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है, सिटिंग एमएलए है राजकुमार राय। इसके साथ ही जो पिछला चुनाव यानी 2015 का चुनाव इन्होंने जीता था वो आरजेडी के साथ गठबंधन के तहत जीता था, लेकिन स्थिति क्या है देखिए, दूसरे राउंड की गिनती हो गई है, इसके बावजूद तेज प्रताप यादव के लिए थम्स डाउन है, पीछे चल रहे हैं, जबकि राजकुमार राय जो कि जेडीयू से हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही राघोपुर हसनपुर की चर्चा हमने कर ली। इसके अलावा जो बड़ी एक और हाई प्रोफाइल सीट है वो है मखदुमपुर की। मखदुमपुर में जो मुकाबला है वो देवेंद्र कुमार मांझी और सतीश कुमार के बीच है। जीतन मांझी के दामाद हैं, इस बार नया चेहरा है सतीश कुमार, लेकिन यहां से मांझी आगे या सतीश कुमार, ये स्थिति हम आपको दिखा देते हैं। स्टेटस दरअसल ये है कि देवेंद्र कुमार मांझी यानी जीतन मांझी के जो दामाद हैं उनके लिए थम्स डाउन है, पीछे चल रहे हैं सतीश कुमार, आरजेडी से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही जो अगली सीट पटना साहिब हाई प्रोफाइल सीट है, पटना साहिब से जो मुख्य मुकाबला है आप देखिए, नंद किशोर यादव हैं, प्रवीण कुमार कुशवाहा, ये आमने सामने है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। एआईसीसी के सदस्य हैं प्रवीण कुशवाहा, बड़े जोशो खरोश के साथ इन्हें उतारा गया था, लेकिन नंद किशोर यादव बड़ी प्रोफाइल पथ निर्माण मंत्री हैं सरकार में, और स्टेटस क्या है ये हम आपको दिखा दें। स्टेटस ये है, नंद किशोर यादव बड़ी प्रोफाइल मंत्री, थम्स डाउन पीछे, यानी सरकार को लेकर जो नाराजगी है, नीतीश कुमार को लेकर जो थोड़ी सी नाराजगी है वो दिखाई दे रही है, प्रवीण कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही सहरसा की हम बातचीत कर लेते हैं। सहरसा में जो मुख्य मुकाबला है वो लवली आनंद और आलोक रंजन झा के बीच मुकाबला है। बाहुबली आनंद मोहल की पत्नी है, लवली पूर्व विधायक है आलोक रंजन झा, लेकिन यहां पर स्टेटस क्या है वो आप जल्दी से देख लीजिए। स्टेटस यहां पर यह है कि लवली आनंद आगे चल रहे हैं, आलोक रंजन झा पीछे चल रहे हैं, आरजेडी के लिए यहां पर थम्सअप है। ये सहरसा की बातचीत है। तो ये लगातार बड़ी प्रोफाइल बड़ी सीटों को लेकर क्या स्थिति है वो हमने आपको बताया। एक बार फिर से विद्या का रुख करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, आपने पूरी जानकारी दी हमारे दर्शकों तक, ये जानकारी पहुंचाई कि कौन सी वीआईपी सीट से कौन आगे चल रहा है। लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रजनीश की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है पटना का वीरचंद पटेल पथ। दरअसल जितने कार्यालय हैं राजनीतिक दलों के वो इसी वीरचंद पटेल पथ पर हैं, और यहाँ पर किया जा रहा है फ्लैग मार्च। जी हाँ, यहाँ पर फ्लैग मार्च हो रहा है, सीआरपीएफ की टुकड़ी मौजूद है, और ये लोग इस पूरे एरिया में, क्योंकि ये जो सड़क है इसमें तमाम पार्टी कार्यालय हैं, और इसमें ये लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे सड़क पर विधि व्यवस्था एक इम्पॉर्टेंट इशू होगा जिसको कि मेंटेन करना है, और इसको लेकर देखिए किस तरह से नवीन चंद झा जो इंस्पेक्टर है वो आगे चल रहे हैं। सर, ये किस लिए फ्लैग मार्च, आप लोगों का क्या जवाब दही है इस तरह? फ्लैग मार्च नहीं, एक तरह से रूटीन वर्क होता है सर, और हम लोग 24 आवर 365 दिन सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहते हैं। उसी कड़ी में, चूँकि आज बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान जो गिरा है, जो उसका परिणाम आज आने वाला है, तो बड़ी पदाधिकारी हम लोग को आदेश दिए हैं कि थोड़ा अलर्ट रहेंगे। ये रोड जो है बहुत सेंसिटिव रोड माना जाता है, तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय इसी रोड पर हैं। जी जी, इसलिए तो थोड़ा यहाँ हम लोग ज़्यादा अलर्ट हैं कि किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व ऐसा कुछ न कर दे जो सुरक्षा व्यवस्था पर। बिल्कुल, देखिए खुद ये लीड कर रहे हैं, और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से पटना की सड़क पर, ये आरजेडी कार्यालय है, इसके थोड़ी दूर आगे जाइएगा तो बीजेपी कार्यालय है, और लोग यहाँ पर पूरी तरह से मार्च कर रहे हैं। सिर्फ ना, ये लोग तो मार्च कर रहे हैं, और एक स्टैटिक फोर्स
वहाँ भी है जो कार्यालय के गेट पर लगाया गया है, और ये तमाम लोग ये देख रहे हैं कि इस रोड पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसको लेकर ये पूरी तैयारी इस वक्त पटना में आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर की कैसे फ्लैग मार्च किया जा रहा है यहाँ से वहाँ तक। ये पूरे वीरचंद पटेल पथ की तस्वीर जहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना उत्पन्न हो, और इसको लेकर ये पूरी तैयारी इस वक्त पटना में जहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर की किस तरीके से जो तमाम जवान हैं ये एक के बाद एक निकले हैं और ये लोग इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पटना में हो रहा है ये फ्लैग मार्च जहाँ पर ये तमाम जवान पटना के इस वीरचंद पटेल पथ पर चल रहे हैं और इनकी ड्यूटी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बना के रखा जाए। तो पटना में चुनाव के परिणाम का दिन, ऐसे में ये वीरचंद पटेल पथ जो है ये खास महत्व रखता है। JDU, BJP, RJD, RLSP तमाम पार्टी की दफ्तर इसी सड़क पर, और इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो एक क्विक अपडेट दे दूं आपको, इस वक्त 241 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं। NDA 122 पर, RJD 112 पर यानी महागठबंधन, LJP 5 पर और अदर्स 2 पर। इस वक्त JDU दफ्तर चलते हैं, वहां पर भी न्यूज नेशन देखा जा रहा है, आपका अपना पसंदीदा चैनल, क्योंकि सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे सही, सबसे तेज नतीजे दिखा रहा है आपको न्यूज नेशन। देखिए, चलते हैं पटना के JDU दफ्तर। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना जारी है। इस वक्त हम JDU कार्यालय में है, पटना के JDU कार्यालय में है। यहाँ पे तमाम वो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लेकिन सटीक नतीजों को जानने के लिए ये लगातार न्यूज नेशन यहाँ पर भी देख रहे हैं। लगातार हर दफ्तर में न्यूज नेशन देखा जा रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपका गठबंधन NDA गठबंधन आगे चल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, और हम पहले भी कहा हुआ था कि सबसे अच्छी हंसी तब हंसी जाती है जो बाद में हंसी जाती है। एग्जिट पोल, लोग एग्जिट पोल देख करके बहुत एतौला हो रहे थे, लेकिन आज हम लोग सर्टिफिक पे चलते हैं। जो आज जो TV पे देखने को मिल रहा है उसे हम लोग बहुत NDA वाले खुश हैं। नतीजों के लिए अभी न्यूज नेशन देख रहे हैं? यस देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार। हाँ, लगातार सुबह से देख रहा हूँ। अभी तक आप लोग पीछे चल रहे थे, महागठबंधन जो है वो आगे चल रहा था, अभी आपको खुशी है, आपको लगता है कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बने, जिन्होंने काम किया है लोगों ने उनको मजदूरी देना है, ऐसी बात नहीं है। बिहारी कहलाना शान की बात है, हमें नीतीश कुमार पे गर्व है। बिल्कुल, बिहार के लोग ने एक नारा दिया है, आशा है, एहसास है, नीतीश कुमार पे ही विश्वास है। कहा जाता है नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी बहुत ज्यादा है, अगर वो जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से जीतेंगे। ये कुछ लोगों का प्रोपगंडा हो सकता है, पूरे बिहार के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार के साथ रहना चाहते हैं, ये आपका इसमें आ रहा है एग्जिट पोल। लगातार जो है लोग नतीजों को समझने के लिए, जाने के लिए, सटीक जानकारी के लिए न्यूज नेशन तो देख रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। वक्त का इंतजार आप कीजिए आने वाले वक्त में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में युवा जोश चलेगा या नीतीश कुमार फिर से एक बार बाजी मारेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, पटना। तो कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीम अफजल साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भाई अरुण कुमार भी जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार जी, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी अटक रही है, जो नतीजे रुझान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कहीं कोई सेटबैक हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है, कहीं पर आपका जो कैलकुलेशन था वो गड़बड़ाया है सीट को लेकर, वोट शेयर को लेकर, भाई अरुण कुमार जी? कुछ आया है, अभी फर्स्ट राउंड का गिनती चल रही है, इसमें ऊपर नीचे होते रहेगा। आप देखिएगा कि महागठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, 2/3 बहुमत, अब तो गुंजाइश नहीं बची उसके। अरुण कुमार जी, भाई अरुण कुमार जी, अब 2/3 की गुंजाइश नहीं बची है जिस तरह का ट्रेंड सामने आ रहा है उसके बाद? ट्रेंड जो आ रहा है आप देख रहे हैं, शुरुआती रुझान है, जो पब्लिक का रुझान है वो सबने देखा, और वो ये वही EVM में कैद हुआ है, तो वो जो EVM में कैद हुआ है वो खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। शुरुआती रुझान जो आप सब चैनलों में भी दिखा रहा है, RJD को बहुत ज्यादा बढ़ा, लेकिन आपके चैनल में कुछ कम दिखाई दे रहा है, तो वो तो मीम अफजल साहब के चेहरे पर दीपक जी मुस्कुराहट है, और बड़ी मुस्कुराहट है, देखिए आप बड़ा सा स्माइल कर रहे हैं, मीम अफजल साहब अच्छी लग रही हैं। भाई संजय जी, भाई अरुण जी की बात आपको, वैसे मीम अफजल साहब खुश मिजाज आदमी है, हमेशा मुस्कुराते रहे, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, क्यों मीम अफजल साहब? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये भी सही वो भी सही, एक सोच तो है
वो आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और आप इसका एतराफ बहुत बार अपने चैनलों पर कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम रिजल्ट वाले दिन मुस्कुराते ही रहना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का कमाल होता है जो कुछ भी हमारे यहाँ रिजल्ट आते हैं, कम से कम हमारा देश वो नहीं है जहाँ पाकिस्तान की तरह से मामला उलट जाते हैं। ये वो देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी को हमें निभाना चाहिए। बिल्कुल सही सर। और मैं अभी शर्मा जी का जवाब देना चाहता था, ज्यादा तो नहीं दूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि शर्मा जी ने जो कीमती मशवरा दिया है जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस को, मैं उनसे ये कहूंगा कि हम लोग जानते हैं कि आपके मशवरे के अंदर भी कोई ना कोई साजिश छुपी रहती है, और इसके अंदर भी आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर होगा जो आपने मशवरा दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति अलग अलग है, शुरू से अलग है और आज भी अलग है। आरजेडी एक अकेली ऐसी भारत में पार्टी है जिसने समझौता नहीं किया। अभी वो बता रहे थे कि हम जो है पिछलग्गू हो गए। मुझे आप बताइए 89 के अंदर कौन पिछलग्गू था, आपकी कितने सीटें थी और आप किसके पीछे थे? पर आज आप देखिए ना, 89 के बाद कांस्टेंट तो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं, अंतर ये है ना मीम अफजल साहब, तो थोड़ा उलाहना देना के शर्मा जी का बनता है। वो बढ़ते जा रहे हैं, आप घटते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। एक जमाना था जब वो बहुत घटे हुए थे, दो पर थे, आज बहुत सारी नदियां दीपक जी सूख गई हैं, हमेशा आदमी को लेकर के डूबता है, और ये गुरूर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और आने वाले वक्त में उनको लेकर के जरूर डूबेगा। के शर्मा देखेंगे, के शर्मा जवाब देना चाहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और के भाई जवाब देते हुए ये भी याद रखिए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में नहीं है अभी, आप दिल्ली में है, लेकिन मुस्कुराइए जरूर, और बिहार को देख रहे हैं जी। देखिए ना मैं मीम साहब जो इतने सीनियर नेता हैं वो कैसे असेसमेंट को भूल गए मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मैंने अवार्ड किया आरजेडी को कि उसने कभी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। मीम साहब, आरजेडी बनी किसके विरुद्ध में थी? ये आपातकाल के समय में ये किससे लड़ाई लड़ रहे थे? ये तो आपके थी अगेंस्ट लड़ रहे थे ना, और आपसे ही हाथ मिलाया, और आप ही इनको कुचल रहे थे उस समय। जेलों में किसने डाला इनको? क्या ये विचारधारा से समझौता नहीं है? ये तो मूल जड़ से समझौता है, जहां से ये पैदा होकर आते हैं, ये पैदाइश ही उसका आपातकाल के दौरान के। ठीक है, के शर्मा जी, यहाँ पर आप लोग लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन देखिए कुर्सी में कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, यानी कि रस्सी कौन ज्यादा खींच ले रहा है अपनी तरफ कुर्सी की, वो हम देखने के लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, तो राकेश किसकी तरफ रस्सी खींचेंगे आप? कुर्सी किसकी तरफ जा रही है राकेश? रस्सी तेजस्वी और नीतीश कुमार खींच रहे हैं, कैरिकेचर के जरिए हम दिखाते हैं कि कौन इस रस्सी के रस्साकशी में भारी पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कैरिकेचर के जरिए, एक और तेजस्वी हैं, एक और नीतीश कुमार हैं। चूंकि बीजेपी प्लस 124 सीटों पर आगे है और तेजस्वी 110 सीटों पर आगे हैं जो उनके एलाइज के साथ, तो जाहिर सी बात है जो कुर्सी है वो थोड़ी सी नीतीश कुमार अपनी ओर ज़्यादा खींच ले जा पा रहा है। नीतीश कुमार की ताकत बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी तेजस्वी जो उलाहना देते थे कि नीतीश जी थके हुए हैं, वो थकान है नहीं, वो दरअसल मुझे लग रहा है कोई एनर्जी ड्रिंक उन्होंने ले लिया। दीपक जी, आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त देखिए प्रतिक्रियाएं दीपक जी आने लग गई हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान में जो बातें सामने आती है उसके बाद प्रतिक्रिया आना लाजमी सी बात है। रुझानों में एनडीए को बहुमत इस वक्त है, 124 सीट एनडीए के पास और 110 सीट महागठबंधन के पास। एलजेपी अब 6 यानी कि 5 का जो आंकड़ा था उसको क्रॉस कर गया एलजेपी और वो 6 पर पहुंच गई है एलजेपी की सीटें। लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात, बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान अब आ गए हैं। 243 सीटों के रुझान आप देख रहे हैं, एनडीए 124 पर आगे चल रहा है हमारे रुझानों के मुताबिक, महागठबंधन 110 पर आगे चल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग अब 6 सीटों पर जल चुका है और अदर्स के खाते में 3 सीटें जा रही है। इस बीच एनडीए उत्साहित हो गया है, बॉर्नविटा खा लिया उसने, बॉर्नविटा शक्ति बढ़ा है, स्फूर्ति दे। हालांकि देखिए इस बार दीपक जी क्या हुआ है कि लड्डू बने या नहीं बने हैं, के शर्मा जी आपसे मैं पूछूंगा कि लड्डू बने हैं कि नहीं बने हैं, अभी तक छुपा कर रखे गए हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी जरा सुन लेते हैं। मुझे लगता है इस वक्त प्रतिक्रिया आ रही है उनके पास, हाँ चलिए दिखाएंगे, लेकिन के शर्मा जी बता दीजिए, कम से कम देश के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, न्यूज नेशन देखिए, चाहे वो आरजेडी का दफ्तर है, जेडीयू का दफ्तर है, बीजेपी का दफ्तर, हर जगह चल रहा है, सबको बताइए लड्डू बनाए कि नहीं बनाए।
बिल्कुल आप इंतजार कीजिए, मैं तो कहूंगा पूरे परिणाम आने दीजिए, इसके बाद फिर देखिए मजा। ठीक है के शर्मा जी, केसी त्यागी जी ने एक बड़ा दावा किया है, जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी क्या कहते हैं अपने दावे में, केसी त्यागी जी आइए सुनाते हैं आपको। बिहार के शुरुआती नतीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं केसी त्यागी जी। त्यागी जी, जिस तरीके के रुझान शुरुआती तौर पर आए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? ये उन लोगों के लिए सबक है जो पहले दिन से ही एनडीए को हराने पर लगे हुए थे, चाहे वो हमारे सहयोगी पार्टनर थे एलजेपी के रूप में या मीडिया के भी कुछ लोग थे जो पहले दिन से एंटी इनकम्बेंसी बता रहे थे। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से खराब हुआ है, वरना हम 200 सीटों पर आज जीत रहे होते। लिहाजा कोरोना विश्वव्यापी फिनोमिना था, महामंदी विश्वव्यापी फिनोमिना थी, जिसकी लपेट में बिहार के चुनाव आए। ना ब्रांड नीतीश खत्म हुआ है, ना ब्रांड तेजस्वी अप हुआ है, और हम वहाँ के चुनाव में पुनः सफलता प्राप्त। सर, महागठबंधन अच्छा तो कर रहा है लेकिन पहले से, महागठबंधन पहले से अच्छा कर रहा है, वो भी कोरोना की वजह से। सर, एक आखिरी सवाल कि जिस अगर हनुमान बन के, क्या एलजेपी बनेगी हनुमान इस तरीके से जिस तरीके के रुझान चल रहे हैं? नहीं, हनुमान अयोध्या में नहीं आग लगाया करते, उनका काम लंका में आग लगाने का। जी, तो हनुमान जो है उन पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि खुद को हनुमान बता रहे थे एलजेपी के पासवान और अभी चिराग पासवान, और अभी जो है वो ब्रांड नीतीश बाकी है, ये कहना है जेडीयू प्रधान महासचिव केसी त्यागी का। वीडियो दीपक जी देखिए, एक बात वो कह रहे हैं, जाकी है मथुरा काशी बाकी है, उसी टाइप की बात केसी त्यागी जी कर रहे हैं। लेकिन एक बात दीपक जी केसी त्यागी ने बोल दी है, वो बात सही भी है कि कोरोना का बहुत असर हुआ है। कोरोना काल में जो कुछ हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जो किया और नहीं किया, वो सब लोगों ने गांठ बांध कर रख लिया और उसके आधार पर लोग वोट करने जा रहे थे। और इसके अलावा बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर जो कुछ हुआ था वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था, यानी कि रोजगार, कोरोना और दुर्गा पूजा, ये तीन बड़े मुद्दे कम से कम बिहार में आप किसी भी चौराहे, किसी भी पान दुकान, किसी भी चाय के उसमें चले जाते, दुकान पर चले जाते, आपको लोग इस पर बात करते हुए नजर आ रहे थे। और आपने माइग्रेशन जो हुआ बिहार के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कोटा के छात्र वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, और कोरोना के चलते कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसके कारण ब्रांड नीतीश को फर्क पड़ा था। लेकिन चुनाव में इसका क्या असर होता है? कोरोना अगर नहीं होता तो क्या मतलब एनडीए का गठबंधन महागठबंधन को पीछे छोड़कर 200 सीटें जीतता? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा हमारे 15 साल के बाद करने का, वो भी 15 साल के बाद। लेकिन अभी तक की जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है उसके हिसाब से अभी भी ब्रांड मोदी भी चल रहा है, ब्रांड नीतीश भी अपने आप को स्टेबल रख के रखा हुआ है, लेकिन ब्रांड तेजस्वी का क्या होगा? सीधे चलते हैं भाई अरुण कुमार के पास, क्या तेजस्वी तेज नहीं डाल पाए पूरा? भाई अरुण कुमार जी, आपको क्या लगता है और आपकी जानकारी क्या कहती है इस वक्त ट्रेंड्स के आधार पर? बिहार के अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, रिकॉर्ड करके रख लूं, शाम को बात करें इस पर भाई अरुण कुमार, शाम को बात करें, तेजस्वी होंगे जी आप, शाम को क्यों, 2 बजे के 1 या 2 बजे ही बात कर लीजिएगा। चलिए 1 या 2 बजे। अच्छा भाई अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो अभी फिलहाल रुझान है, नतीजे आने बाकी है, लेकिन क्या लग रहा है कि लोग आपके साथ इस चुनाव में क्यों आए हैं? क्या लोगों को रोजगार चाहिए इसलिए नीतीश कुमार से नाराज हो गए थे, इसलिए आपके साथ लोग क्यों आए, वोटर्स क्यों जुड़े? लोगों में नीतीश कुमार के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी थी, और हमारे नेता ने जो रोजगार सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया उसके कारण पूरे नौजवान, पूरे बिहार के नौजवान जो कि जिसे नीतीश कुमार ने बेरोजगार करके रखा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगार करके रखे थे, वो सभी लोग एक साथ आकर के तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति अपना मत देने का काम किया, जिसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन देखिए आप चाहे ये जानबूझकर बोलें या फिर अनजाने में बोलें, लेकिन आपने कहा कि फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार से दीपक जी लोग थोड़े नाराज हो गए, थोड़े नाराज थे। लेकिन के शर्मा जी के पास चलता हूं, के शर्मा जी ये तो कह रहे हैं 2 बजे के बाद गिन लीजिएगा, छाप के रख लीजिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप क्या कहेंगे के शर्मा जी भाई अरुण कुमार के इस दावे पर? देखिए दावा करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो दावा कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है दीपक जी।
रिजल्ट तो धीरे काउंटिंग हो रही है और धीरे धीरे जो है परिणाम सामने आ रहे हैं। और मैं भी नहीं भी कहा कि तीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 3-4 बजे तक जाकर फाइनल होगा। दावा करने में कोई आपत्ति नहीं, दावा तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, इसको लेके बहुत चिंता की या कोई ऐसा विषय नहीं करना भाई आप बोल रहे हैं। और उधर पटना में भाई ऐसा तो कहेंगे नहीं कि मैं आपको बता दूं, पटना में बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी बढ़ने लगी है। ये शुभ संकेत है, यानी चारों तरफ से खबर आ रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी को अपर एज मिलता जा रहा है। इस वक्त 11 बजने वाले हैं और 11 बजे का मैं अपडेट आपके सामने कर दूं। 243 में 243 के रुझान सामने आ चुके हैं, सभी 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए का गठबंधन 128 सीटों पर आगे चल रहा है, यहाँ पर पूर्ण बहुमत है एनडीए के गठबंधन के पास। एनडीए के गठबंधन में बीजेपी है, जेडीयू है, विकासशील इंसान पार्टी है और हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। जो महागठबंधन है उसमें 106 सीटों पर आगे चल रहा है, एलजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है, यानी चिराग काफी कुछ चिराग जलाते जा रहे हैं। वहीं अदर्श 2 सीटों पर आगे चल रहा है। रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। मेरे साथ राकेश पांडे आ रहे हैं। राकेश ने बहुत रस्सी खींच ली है, लेकिन रस्सी खींचने का फायदा नीतीश को होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तेजस्वी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब आगे क्या होगा, क्योंकि अगर एलजेपी और बीजेपी को जोड़ दिया जाए तो 135 सीटें हो जाती है। 11 बजे की 11 बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं, रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 11 बजे की 11 बड़ी खबरें क्या है, बिहार इलेक्शन की 11 ब्रेकिंग 11 बजे, आइए दिखाते हैं एक-एक करके। रुझानों में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। फिलहाल रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में नीतीश का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है जितना कहा जा रहा था, ये भी एक बड़ी बात है। बीजेपी और आरजेडी में बराबरी का मुकाबला है, दोनों 2-3 सीट ऊपर 2-3 सीट नीचे। कौन बनेगा नंबर 1 की पार्टी, आरजेडी से ज्यादा उसके सहयोगियों को फायदा हो रहा है। क्या आरजेडी अपने वोट अपने को ही नहीं दिलवा पाया, कम्युनिस्ट पार्टियों को बिहार में जबरदस्त बढ़त है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए थे। कांग्रेस को बिहार में उम्मीद के मुताबिक सीटें मिल रही हैं, डबल डिजिट क्रॉस कर चुके हैं, 20 के आसपास टिक सकती है कांग्रेस। बीजेपी शहरी सीटों के साथ साथ ग्रामीण सीटों पर भी आगे है, जो कहा गया था, हमने कहा था मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, लेकिन वो नारा भी नहीं चला है। मोदी जी की छवि इंटैक्ट है वहां पर, बीजेपी से लोग खुश हैं। चिराग को अब तक 5 सीटों पर बढ़त है, लेकिन जब तक लिखा गया अब 7 सीटें हो चुकी है। इसके साथ ही हसनपुर से तेज प्रताप यादव 1500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी जो फासला था वो फासला बढ़ता जा रहा है। तो क्या लालू के बड़े बेटे को वहां से हार मिल जाएगी क्या, ये भी एक दिलचस्प बातचीत रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष भी उनको लेकर भी बड़ी खबर है। बिहार इलेक्शन की 11 बजे की 11 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। बीजेपी प्लस 128, कुल 243 विधानसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं। 128 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे है। आरजेडी प्लस 106 सीटों पर, एलजेपी यानी चिराग पासवान 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं, आदर्श के हिस्से में 2। और जिस बात की दीपक जी आप चर्चा कर रहे थे, मेरा एक सवाल है, राकेश कहां कहां, पहले ये बताइए कहां कहां लड्डू और कहां कहां रसगुल्ले बने, उसके बाद आगे चलेंगे, सवाल बाद में, पहले मिठाई की बात की जाए। देखिए पहले पेट पूजा फिर कान दूजा। नहीं नहीं, मिठाई तो सबने बनवा लिया था, बीजेपी में लड्डू बन गए थे और उधर जो महागठबंधन है वहां पर उन्होंने सफेद वाले स्पंज वाले रसगुल्ले उन्होंने बनवाए थे। अच्छा, बंगाली 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 रसगुल्ले, अब स्पंज वाले रसगुल्ले दबते जा रहे हैं, उनका रस बाहर निकलता जा रहा है। नहीं नहीं, उन्होंने रखा होगा क्योंकि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के ही चुनाव होने हैं, तो उनको लगा कि बिहार से पश्चिम बंगाल भी भेज सकते हैं रसगुल्ले। क्यों भाई, अरुण कुमार रसगुल्लों को क्या होगा, आप सफेद रसगुल्ले आपने खाए कि नहीं भाई, अरुण कुमार सुबह से एकाध मिठाई तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हम खाए। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा करके हम लोग मिठाई खाएंगे। कहीं ऐसा ना हो भाई अरुण कुमार चूक गए, चौहान हो जाए तेजस्वी भाई, इस बार तेजस्वी चूक गए चौहान हो जाए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो चौहान नहीं है, वो पिछली रात चौहान आंख मूंद करके भी निशाना लगाए थे, वही तेजस्वी यादव है, आंख मूंद करके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। इसीलिए मछली टंगवा दी गई है क्या घर पे? वो टंगी नहीं है, अभी आई है मछली, अभी आई है मछली। लेकिन भाई अरुण कुमार मुझे बताइए कि कुछ पोस्टर तेजस्वी को कृष्ण बता रहे हैं, कुछ पोस्टर उनको अर्जुन बता रहे हैं, अब मुझे बताइए तेजस्वी कृष्ण है या अर्जुन? देखिए कृष्ण हो या अर्जुन हो, ये तो एक पार्ट है ये। अरे फिर तो महाभारत की कहानी बदल जाएगी भाई, पूरी कहानी बदल जाएगी महाभारत की अरुण कुमार जी। ये जो तेजस्वी जो है ये अर्जुन ही है, एकदम निशाने पर तीर मारेंगे।
नहीं नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर एक मैं गंभीर सवाल आपसे पूछूं, जिस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री की आप लोग बातचीत कर रहे थे, एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से आरजेडी प्लस अगर 106 पर है, कांग्रेस डबल डिजिट में पहुंचती जा रही है, तो क्या आपको यह लगता है कि जिस मुद्दे को आप लेकर गए, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया, लेकिन उसे आप बेहतर तरीके से शायद समझा नहीं पाए, या जनता ने मान लिया वो हवा हवाई मुद्दा था, 10 लाख नौकरियों पर एक साथ साइन कर पाना संभव नहीं? नहीं, सब बात नहीं है। देखिए, अभी आपका जो देख रहे हैं शुरुआती रुझाने, में पहले भी कह चुका हूँ, ये आपको विक्ट्री दिलाएगी। जितने मुद्दे हमारे थे, ये मुद्दे जनता के से जुड़े हुए मुद्दे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने हवा हवाई कोई मुद्दा नहीं उठाया, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया और जनता ने उसे सर आंखों पर लिया और ईवीएम में कैद किया। और आप देखिएगा, एक दो घंटे के बाद आपका आप ही का प्रोजेक्शन बदल जाएगा। नहीं नहीं, प्रोजेक्शन बदल जाएगा तो आपको क्या लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा? कितना फेरबदल हो जाएगा? लैंडस्लाइड तो होने से नहीं रहा। सरकार मेरी बनेगी और अच्छी बहुमत से बनेगी। चलिए, आप कह रहे हैं सरकार, उम्मीद पर दुनिया गायब है, कोई दिक्कत नहीं भाई अरुण कुमार जी, हम तो यही कहते हैं कि आखिरी तक सुपर ओवर में मैच जाए, जीत लोकतंत्र की हो, जीत प्रजातंत्र की हो, क्योंकि एक बात से मैं बड़ा खुश हूं, आजकल तो सुपर ओवर भी दो होने लगे हैं, सुपर ओवर भी दो होने लगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं इसलिए खुश हूं कि ईवीएम अमेरिका की नहीं काम कर रही है, हमारी कर रही है। मैं बहुत खुश हूं इस बात से। ट्रंप साहब को झटका लगाए, जोर का झटका धीरे से लगाए, और धीरे से झटका जोर से लगाए जो बाइडेन को। लेकिन उसके बाद आपको एक बात माननी पड़ेगी, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र वो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम, लेकिन फिर भी हमारी व्यवस्था अमेरिका से ज्यादा मजबूत है। लेकिन एक बात बताइए, फक्र होना चाहिए। तेजस्वी और नीतीश कुमार के मन में गाना कौन सा चल रहा होगा? क्या वो चाचा भतीजा वाला एक गाना है? क्यों भाई, चाचा हाँ भतीजा, हाँ भतीजा, ये लोग हो सकता है बातचीत ना कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त नीतीश कुमार गाने के मूड में हो, वैसे भी वो लाइट बातें नहीं करते, और तेजस्वी ने भी अपने आप को जरूरत से ज्यादा सीरियस कर लिया। देखिए, घट गया, आरजेडी प्लस 102 पर आ गए। ठीक है, हाँ, आरजेडी प्लस 102 पर आ गए और बीजेपी 132। अदिति फंडी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, अदिति के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फटाफट आपको एक अपडेट दे देता हूं। 243 में से 243 के रुझान आ चुके हैं, 132 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, आरजेडी 102 पर, लोक जनशक्ति पार्टी 7 पर, आदर्श 2 पर। और अगर ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए को जोड़ दिया जाए तो 139 के आसपास आ जाते हैं। सीधे अदिति के पास चलते हैं। अदिति, 2015 में भी एग्जिट पोल फेल हुआ था, आज भी एग्जिट पोल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आपको क्या लग रहा है इस बार किसका किसका साथ देने जा रहा है किस्मत? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की किस्मत खुलने वाली है, 15 साल के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रहे हैं वो। अभी आपने अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है उसका उल्लेख किया था, इसमें थोड़ी सी समानता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जो अमेरिका में सेनेट में खींचतान हो रही है, उससे कई लोगों को लगता है कि बेहतर यही है हमारे लिए, भारत के लिए, कि सेनेट में जो बाइडेन और डेमोक्रेट जो सरकार में आए हैं वो थोड़ा कमज़ोर रहें, क्योंकि फिर उनका एजेंडा उतनी उस तरह से हावी नहीं हो पाएंगे। कुछ वही हम बिहार में देख रहे हैं कि हालांकि भाजपा ने अच्छा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू की का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। और इसमें मेरे ख्याल से हालांकि एलजेपी ने भी अच्छा किया है, लेकिन अगर यही चुनाव का रिजल्ट होने वाला है तो उनका खेल अब खत्म हो गया। अदिति जी, एक सवाल आपसे, जो आरजेडी और कांग्रेस की जो स्थिति है, या फिर जिस तरीके से अभी वो पीछे हो गए, बीजेपी काफी ज्यादा आगे हो गई 132, तो क्या आपको लगता है कि यूपी में जो अखिलेश यादव ने गलती की, या अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दिया, तेजस्वी ने भी भाई किया, ऐसी स्थिति आपको लगती है क्या? इस समय ये इस पे कोई जजमेंट करना या इस पे कोई निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कांग्रेस के कितनी सीटें आएंगी 70 में से। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कांग्रेस के बिना आरजेडी जाती तो शायद उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता। अदिति, मुझे ये लगता है अगर पूर्ण बहुमत से दूर रहती है आरजेडी तो उसके लिए एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस का भी होगा, क्योंकि लेफ्ट पार्टियां आशा के अनुरूप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत घट रहा है और 70 सीटें बहुत बड़ा चंक होता है, और क्या इसी के कारण तेजस्वी बहुमत से दूर रह जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको अभी का अपडेट दे दूं, 243
243-132 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे है। आरजेडी घटती हुई, महागठबंधन 102 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 7 सीटों पर, 2 सीटों पर अन्य। और आइए देखते हैं नीतीश का जश्न कैसे मनेगा, कैसे मनेगा नीतीश कुमार का जश्न अगर 15 साल बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। नीतीश का जादू या मोदी का जादू, देखना किसका जादू चल गया, हम आपको बताएंगे। पहले देखिए कैसे मनेगा जश्न। अरे कौन सा डांस कर रहे थे नीतीश कुमार, मैं समझ नहीं पाया नीरज ये कौन सा डांस कर रहे थे, हिप हॉप था, रॉक एंड रोल था, ट्विस्ट था, ये कौन सा डांस करवा दिया आपने? सबका कॉम्बिनेशन, सबका कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखिए 15 साल बाद अगर सत्ता मिल जाए तो बेहतर है कि खुलकर डांस कर लिया जाए। तेजस्वी का देख लेते हैं, तेजस्वी कौन सा गाना गाएंगे, तेजस्वी को पहले देख लेते हैं। मेरी किस्मत में तू नहीं, देखते हैं तेजस्वी क्या करेंगे। दिवाली से पहले दिवाला तो नहीं निकला है, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन तेजस्वी ने क्या अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश कर ली? क्या तेजस्वी अगर फुल मेजोरिटी नहीं पाते हैं तो आरजेडी के अंदर कोई हलचल होगी? कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को तेजस्वी यादव नहीं बना पाए, ये भी बड़ी बात है। क्या तेजस्वी यादव को 70 सीटें कांग्रेस को देना काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाएगा? ये भी है, लेकिन तेजस्वी का गाना कौन सा होगा? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुर्सी अब तो लग रही थी कि कुर्सी मिल गई मिल गई मिल गई, लेकिन वो कुर्सी फिलहाल दूर होती दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि वो सोच रहे होंगे क्यों कांग्रेस को 70 सीटें दे दी, और मुझे लगता है कि सरवर फातिमा जी दीपक जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि अच्छा, सीटों के विश्लेषण के लिए पहले कुछ नया और महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, सीधे चलते विद्यानाथ झा के पास। विद्या क्या अपडेट? जी दीपक जी, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए एक एक विधानसभा सीट का हाल हम बता रहे हैं यहां से, और इस वक्त कौन सी सीट से हमें जो जानकारी मिल रही है, देखिए सराय रंजन से बड़ी खबर आ रही है। यहां से फाइट है विजय कुमार चौधरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, और इनके सामने अरविंद कुमार सानी। लेकिन कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, यह देखना दिलचस्प है। विजय कुमार चौधरी पीछे चल रहे हैं जेडीयू के नेता, और विधानसभा के अध्यक्ष अरविंद कुमार सानी आरजेडी से हैं, ये आगे चल रहे हैं जेडीयू के नेता को मत दे रहे हैं अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली कौन सी सीट है जहां से इस वक्त बड़ी खबर है। किशनगंज, यहां देखिए सीधे सीधे स्वीटी सिंह बीजेपी और कमरूल होदा के बीच में टक्कर है, सिटिंग एमएलए हैं होदा और किशनगंज की ये जो फाइट है, एआईएमआईएम के नेता जो हैं, क्या आगे ये चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं, जरा देख लेते हैं। देखिए पीछे चल रहे हैं, यानी कि जो मुस्लिम कार्ड है यहां पर वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की स्वीटी सिंह यहां से आगे चल रही हैं, पीछे चलते हैं एक बार फिर से, और एक बार फिर से देखते हैं कि कौन सी सीट इस वक्त बड़ी खबर हमें दिखा रही है। देखिए सिमरी बख्तियारपुर से बड़ी खबर है, और यहां से खबर क्या है, खबर सबसे पहले यह जानिए कि वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी यहां से, और उनके सामने हैं यूसुफ सलाउद्दीन, एलजेपी सांसद महबूब अली के ये रिश्तेदार हैं, वीआईपी अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी। लेकिन स्टेटस क्या है ये हम आपको बता देते हैं। ये देखिए यहां पर आगे चल रहे हैं मुकेश सहनी, वीआईपी के मुकेश सहनी आगे चल रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर से, और आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन पीछे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली बड़ी खबर कौन सी विधानसभा सीट से। देखिए बेनीपट्टी, यहां बेनीपट्टी सीट पर किसके किसके बीच में मुकाबला है, भावना झा यहां की वर्तमान विधायक हैं, और विनोद नारायण झा जो कि मंत्री हैं लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, सिटिंग एमएलए भावना झा हैं। लेकिन इस वक्त आगे कौन चल रहा है और पीछे कौन चल रहा है ये देख लेते हैं। देखिए विनोद नारायण झा आगे चल रहे हैं बेनीपट्टी सीट से, और भावना झा प्रेजेंट एमएलए जो है यहां की वो पीछे चल रही हैं, कांग्रेस की नेता पीछे चल रही हैं। वापस चलते हैं, देखते हैं और कौन सी बड़ी खबर किस विधानसभा सीट से। बिहारीगंज से बड़ी खबर है दीपक जी, और बड़ी खबर यह है, सबसे पहले स्टेटस देखते हैं। देखिए स्टेटस में क्या है, स्टेटस में यह है कि निरंजन कुमार मेहता जो है जेडीयू से आगे चल रहे हैं, और सुभाषिनी यादव कांग्रेस से पीछे चल रही हैं। तो ये इस वक्त कुछ बड़ी सीटें हैं जिनके बारे में जानकारी है। वापस दीपक जी आपके पास,
फिर कुछ और जानकारी लेकर आऊंगा, क्योंकि हम लगातार एक एक विधानसभा पर नजर बनाए हुए हैं और इन सीटों के बारे में तफसील से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं। विद्या, खासतौर पर हसनपुर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं लालू के एक लाल मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और दूसरे लाल क्या चुनाव जीतते जीतते रह जाएंगे, ये पीछे चल रहे हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, एनडीए अब अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करता हुआ 132 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, बहुमत से 10 सीटें ज्यादा। अगर इसमें लोक जनशक्ति पार्टी जोड़ दिया जाए तो 139 सीटें हो जाती हैं। आरजेडी यानी महागठबंधन की बात की जाए तो 102 यानी बहुमत से 20 सीटें कम। आदर्श 2 सीधे चलते रजनीश सिन्हा के पास बीजेपी दफ्तर पटना। रजनीश, उत्साह उल्लास शुरू हो चुका है वहां पर। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में तस्वीर बदल गई बीजेपी ऑफिस की। मैं आधे घंटे पहले जब यहाँ आया था तो सन्नाटा पसरा हुआ था, और अभी देखिए कैसी रौनक है। जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं, यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो गई तमाम लोगों की, और अचानक पूरी रौनक देखने को मिल रही है बीजेपी ऑफिस में। तमाम लोग, क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या बता रहा है? ट्रेंड यही बता रहा है कि इस बार फिर से विकास की सरकार बनेगी, फिर से विकास की सरकार। अचानक लड्डू किधर है? देखिए रौनक तो रसगुल्ला किधर है, क्या बन रहा है? हाँ। अभी हम लोग आश्वस्त हो गए हैं कि हम लोग पहले से ही जानते थे कि सरकार बनेगी और बिहार की जनता ने विकास हुआ। आपका राजू जी, मिठाई वगैरह लड्डू वगैरह तैयार है? बिल्कुल, मिठाई एकदम तैयार है। हाँ। और हम लोग सरकार बनाएंगे, कुछ घंटों का इंतजार है, रुझान थोड़ा सा और आगे बढ़ने दीजिए, पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। जी इनका मिठाई तैयार है और कह रहे हैं बस रुझान थोड़ा सा और बढ़ जाए, क्योंकि पिछले बार ये लोग दूध का जला मट्ठा फूक कर पीता है। 2015 में ऐसी ही तस्वीर दीपक जी हुई थी जब इन्होंने पटाखा छोड़ना शुरू कर दिया था और फिर 50-54 सीट पर सिमट गए थे। तो थोड़ा और इंतजार, इन लोगों ने संयम रखा है, जो पार्टी के सीनियर लीडर से उन लोगों ने सीधा सीधा इन लोगों को कहा है, डायरेक्शन दिया है कि ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, आप इंतजार कीजिए रिजल्ट के आने का, उसके बाद ही जश्न मनाएंगे। मगर कार्यकर्ता हैं कि पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं और उनमें उत्साह दिख रहा है जी। इसलिए भी रजनीश, क्योंकि अब इंडिया अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करता जा रहा है और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। अकेली भारतीय जनता पार्टी 71 सीटों पर आगे है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की पूरी पूरी संभावना भारतीय जनता पार्टी की यहां पर हो जाती है। एनडीए का गठबंधन 132 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 102 सीटों पर, यानी 30 सीटों का अंतर दोनों के बीच में। फासला निर्णायक, जैसे जैसे मैच होता जा रहा है फासला बढ़ता जा रहा है। एलजेपी 7 पर, आदर्श 2 पर, क्या कहेंगे राकेश इस अंकगणित को देखकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, देखिए 11:15 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब जो गैप बढ़ता जा रहा है, इस गैप को भर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जैसे जैसे वक्त और आगे बढ़ेगा। 30 सीटों का फासला है और ये 30 सीटों का फासला निर्णायक साबित हो सकता है। बीजेपी अकेले 71 सीटों पर आगे चल रही है, एलजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है, आरजेडी प्लस 102 पर है, कांग्रेस ज्यादा आगे बढ़ गई, उम्मीद से ज्यादा वो डबल डिजिट में आ गई। और निश्चित तौर पर अगर महागठबंधन हारने की स्थिति में आ जाता है तो ये तेजस्वी यादव जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं हमने कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़वाकर गलती तो नहीं। यही सवाल सर्वर फातिमा से लेते हैं। फातिमा जी, आपको क्या लगता है, 70 सीटें देकर क्या तेजस्वी ने अपने ताजपोशी को खुद रोक दिया? क्योंकि लगता है हारे तो आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए और जनता के जो भी फैसला होता है उसे हमेशा आंखों पर रखते हैं। अभी तो 11:30 बजा है, हमें लगता है कि अभी 1.5-2 घंटे और थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। और जनता ने बहुत सोच समझ के इस बार वोट किया है और बिहार को आगे रखा है, चाहे फैसला जो भी हो बिहार का ही भला होना चाहिए। हम सब तो यही चाहते हैं कि बिहार का भला हो। कांग्रेस पार्टी आरजेडी पहले भी मजबूती के साथ एक साथ थी, 2015 से भी एक साथ थी और अभी भी एक साथ है। बिल्कुल सही, और इस लोकतंत्र पर राकेश सबको गर्व होना चाहिए और खास तौर पे मैं अभी भी कह रहा हूँ अमेरिका को देखना चाहिए ईवीएम कैसे लाते हैं। क्यों सुदेश भाई, जो बाइडन को बताएंगे ईवीएम कैसे चलाते हैं? वहाँ भी चुनाव कराना चाहिए जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इतने दिनों तक वहाँ असमंजस की स्थिति है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी विडंबना है ये। सुदेश जी एक बात बताइए, जो रुझान अगर यही नतीजों में परिवर्तित हो जाते हैं तो आप इसे जीत किसकी मानेंगे, नीतीश कुमार की या फिर जो आप लोगों ने जंगल राज का डर दिखाया वो डर काम कर गया?
देखिए एक बात तो पक्का है कि जितने भी एग्जिट पोल आए हों या हमें एक ऑप्टिक्स दिखाया गया कि रैली में बहुत लोग आ रहे थे तेजस्वी जी के, हमने कहीं से भी कंसीड नहीं किया, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमारे वोटर्स देखिए साइलेंट वोटर्स हैं, वो बहुत एग्रेसिव नहीं है, और ये परफॉर्मेंस वर्सेस टॉल प्रॉमिसेस के बीच में चुनाव था तो परफॉर्मेंस नीतीश जी के साथ है और ये बात सही है जो जंगल राज का डर दिखाया उसकी जीत, मैं बता रहा हूँ देखिए लोगों को ये डर तो है कि विकास होना है तो जंगल राज वापस नहीं आना है क्योंकि तेजस्वी जी की अपनी कमाई कुछ भी नहीं है, जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत खराब परफॉर्मेंस था और करप्शन के मुद्दे पर उनकी सरकार गई थी और लालू यादव के बोए हुए चीज़ों को अगर काटेंगे तो भुगतना भी तो होगा, और परिवारवाद को बिहार रिजेक्ट करता रहा है, करप्शन के खिलाफ बिहार ने लड़ाई लड़ी है, ये सारे करप्ट फोर्सेस एक साथ हो गए, लेफ्टिस्टों की बताइए करप्शन से और परिवारवाद से कंप्रोमाइज कर लिए ये क्योंकि बीजेपी को हराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने दिखा दिया और मुझे लगता है यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, हमारी सरकार बनेगी नहीं, कि नहीं, वो ये विकास तो मुझे लगता है दीपक जी डॉक्टर रुमिला से भी पूछ लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर रुमिला से मेरा दूसरा सवाल है, डॉक्टर रुमिला जी इतने ऊपर चढ़ जाने के बाद कुतुब मीनार के ऊपर तक पहुंचने के बाद कि भाई अब तो शपथ ही लेने जा रहे हैं, ऐसा एंटी क्लाइमेक्स हो तो क्या कहेंगी उर्मिला जी? देखिए सबसे पहले तो मैं इनके बातों को काट करती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं 18 महीने की सरकार नीतीश कुमार महागठबंधन को जो जनता ने जनादेश दिया, और ये बीजेपी वाले क्या बोलेंगे, इनको विपक्ष में जनता ने जनादेश दिया बैठने के लिए, चोर दरवाजे से सत्ता चला रहे हैं, स्मार्ट सिटी पटना में सब बात हो चुकी, इनके उप मुख्यमंत्री, और ये सीबीआई और ये का छरी का डर दिखा करके वही नीतीश कुमार जी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आप बताइए लालू यादव जी के बिना क्या है तेजस्वी जी, ये बता दीजिए लालू यादव जी के बिना क्या है तेजस्वी जी, ये बता दीजिए उनकी अपनी कमाई क्या है ये बता दीजिए, ज्यादा उत्साहित मत होइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आधे राउंड की भी गिनती नहीं हुई है, जनता जानती है बिहार की, बिहार का रमला जी सुदेश जी उत्साहित रूप से बहुत परिपक्व है, नाराजगी भी आपकी थोड़ी वक्त से पहले बढ़ने लगी, आप भी एक्साइट नहीं हो रहे, वक्त से पहले बढ़ने लगी, एक्साइट नहीं हो रहा, जिस बात हकीकत बयां कर रहा हूं भैया ये गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है भाई, अनंत सिंह के घर का आप ये रसगुल्ला दिखा रहे हैं छीने वाला, बता दीजिए ये अनंत सिंह के घर का रसगुल्ला है, लड्डू दिखा रहे हैं, आरजेडी अब हार रही है भाई, लड्डू दिखाइए बीजेपी के, उर्मिला जी उर्मिला जी 100 करोड़ पर कैसे पहुंच गए, ये क्या नीति होती है, उसमें भी आप लोगों का हाथ है, अगर कोई सुनिश्चित भी आप लोगों का हाथ है, शांत कटाधारी भी शांत शांत हो जाइए, उर्मिला जी चुनाव खत्म हो गए, नीतीश जी ने ही ऑर्डर किया था, अनंत सिंह ने जो रसगुल्ले बनवाए हम 10,000 लोगों का खाना बनाया है, उर्मिला जी क्या होगा इसका, जंगल राज से बाहर निकल ही नहीं पाए, उर्मिला जी अनंत सिंह के घर के सफेद रसगुल्ले क्या होगा छेनी वाले रसगुल्ले का, उस बार भी आपने 15 में भी ज्यादा उत्साहित हुए थे और जीत महागठबंधन की हुई, अभी कुछ नहीं दिख रहा है पूरा, अरे उत्साहित नहीं है भाई, एनालाइज कर रहे सिचुएशन को, बिहार की जनता के मूड को एनालाइज कर रहे हैं, अरे उर्मिला जी आप जवाब नहीं दे रही है, ये अनंत सिंह के घर सफेद रसगुल्ले बन रहे हैं, इनका क्या होगा, मोकामा वाले अनंत सिंह के घर इनका क्या होगा रसगुल्लों का, सफेद रसगुल्ले रसगुल्लों का, आप किसका किसका रिपोर्ट रखते हो, विकास के जगह पर आप व्यक्तिगत लोगों की आलोचना करते रहते हैं, आप चिंता करो ना, आपको रसगुल्ला की चिंता है ना, आपकी जीत होगी अपमान के बात लेना, अरे मैं कह रहा हूँ अनंत सिंह जी का नुकसान हो गया, अरे भैया ज्यादा उत्साहित मत होइए, अनाप शनाप मत बोलिए, अभी बहुत परिणाम आना बाकी है, धैर्य रखिए, अरे उर्मिला जी पत्रकार उर्मिला जी रसगुल्ले की बात करना अनाप शनाप की कैटेगरी में कैसे चला गया, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, मुंह मीठा करने की बात कर रहे हैं उर्मिला जी, और देखिए लोकतंत्र तो जीता है ना, कोई हारे कोई जीते, अफजल अब्बास जी के पास चलते हैं, अफजल अब्बास जी आज तो सुबह से आपकी हार्ट बीट बड़ी बड़ी होगी, अब तो कंट्रोल में हुई है कि नहीं हुई है, डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक कराया आपने नहीं कराया, दीपक दीपक जी आप इस पूरे इलेक्शन के दौरान में पहली बार आपके चैनल पे आया, लेकिन जितने चैनल पर मैं गया मेरी आवाज मिली आपको, जी बिल्कुल बोलिए आप, मेरी आप ये पहली बार पूरे इलेक्शन दौरान में सौभाग्य जो भी कही पहली बार आपका, लेकिन जितने चैनल पे मैं गया
ईमानदारी से मैं कहता कि 150 फीट के आसपास हम लोग रहेंगे, ये मैं कह रहा था। एब्सोल्यूट में कम और बहुत कम हुआ तो कंफर्टेबल मार्जिन से मेरी सरकार। आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए, आरजेडी प्लस 100 के नीचे 99 पर आ गए हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा था कि एनडीए कंफर्टेबल मार्जिन से सरकार बनाएगी। और हमसे पूछा गया, कई चैनल पूछा, आज टाइम्स नाउ आज तक सबने पूछा था मुझसे, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत ये आकलन था कि 150 के आसपास हम लोग एनडीए रहेगी। उसकी वजह ये थी कि गांव में साइलेंट वोटर था, ईबीसी महिलाएं जो बार बार कहती थी कि हम नीतीश कुमार मोदी को वोट दे रहे हैं, और इसमें जाने थी। और जो तेजस्वी यादव के जो भीड़ दिखाई थी दे रही थी, वो एक पार्टिकुलर एक से दो कम्युनिटी का था, इसमें भीड़ को इन्होंने वोट में तब्दील कर लिया था। मैं इसीलिए मुतमिन था कि मेरी सरकार बनेगी, मेरा हार्ट बीट नहीं पड़ा था, मैं आश्वस्त था और आज भी आश्वस्त हूँ। जनता जो भी परिणाम देगी, जो रिजल्ट देगी, उसर आंखों पे। ठीक है अफजल अब्बास जी, कम से कम ईमानदारी से बोल रहे हैं, 150 सीटों का बोल रहे थे, 150 तो नहीं पहुंच रहे हैं। मैं जल्दी से क्विक अपडेट दे देता हूं, 243 में से 243 के रुझान आ चुके हैं, 134 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है, 7 सीटों पर एलजेपी, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 141 सीटें एनडीए के खाते में चली जाती है, क्योंकि एलजेपी बार बार कहती है कि अभी भी हम एनडीए में बने हुए हैं। आरजेडी का परफॉर्मेंस घटता हुआ महागठबंधन का, 99 सीटें शतक से नीचे हो गए हैं और आदर्श के खाते में 3 सीटें जा रहे हैं। एनडीए को स्पष्ट बहुमत है, और मैं आपको ये बता दूं, न्यूज नेशन सुबह से ये चला रहा है कि एनडीए आगे चल रहा है, और अंततः नतीजा भी वही हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, बाकी लोग वो बता रहे थे। सीधे चलते हैं रजनीश के पास, बीजेपी दफ्तर। रजनीश, क्या हो रहा है वहां पर अभी, बताइए बीजेपी दफ्तर में इस वक्त क्या हो रहा है? मैं मानता हूं कि लोग दूध के जले हैं, छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे, लेकिन अब तो कुछ कुछ तो दिखाई दे रही होगी चेहरे पर। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे नेताओं को मैंने अभी देखा, गेट से वो अंदर आ रहे थे, और बीजेपी दफ्तर में जो माहौल है यहाँ पर लगातार आप देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं उनका पहुँचना यहाँ पर जारी है, जो नेता है वो पहुँच रहे हैं, और तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनमें एक उत्साह दिख रहा है। क्या लग रहा है रुझान को देखकर अभी? रुझान, हम लोग जनता जवाब दी है, हम लोग सरकार बना रहे हैं, लेकिन एक घंटा बाद हम लोग नाचेंगे गाएंगे खुशी मनाएंगे। अभी मना, अभी मिठाई उठाई हम लोग, मिठाई लड्डू बन के तैयार है, बन रहा है। हाँ। आला कमांड का आदेश है। हाँ। कभी एक घंटा, क्योंकि अगले बार हम लोग भुक्त भोगी भोग चुके हैं, इसलिए जब पूरा हम लोग का हो जाएगा जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। संजय जी, क्या लग रहा है जो रुझान आ रहा है उसको देखकर क्या लग रहा है आपको, क्या परिस्थिति? नहीं, देखिए हमारे आशाओं के अनुरूप ही रुझान है, हम शुरू से कहते आए हैं कि जनादेश हमारे पक्ष में आएगा और नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः बिहार में एनडीए सरकार बनाने में कामयाब होगी। पहले से नहीं मना रहे हैं 2015 की याद, तो जीतने की आदत हो गई है, पहले लोकसभा जीते, उसके पहले कई विधानसभा जीते, विधानसभा हारे भी, तो मनाने की तैयारी कर रहे थे, गाठे कचहल ओठे तेल, वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे जो इजिप्ट पोल पे इतरा रहे थे। हमें अपने काम पर भरोसा था, 15 सालों में हमने जो काम किया है गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए, सड़क पहुंचाई, बिजली पहुंचाई। तेजस्वी ने जो रोजगार के बारे में कहा 10 लाख रोजगार देंगे, आप कैसे लोग भरोसा करेंगे? 15 सालों तक जब आपका शासन था माता पिता का, तो आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों को पलायन करने को मजबूर हुए, तो आपके बात पर भरोसा कैसे बनाएंगे ये बताएं। अब नहीं, देखिए हमारे लिए सामान्य बात है, हम तो जवाबदेही महसूस कर रहे हैं कि जनता ने एक बार पुनः विश्वास करके हम पर और दबाव बनाया कि और अच्छा काम करें। बिल्कुल, देखिए दीपक जी किस तरीके से खुशी में हैं बीजेपी के नेता, और बिल्कुल जब आदमी बहुत खुश होता है तो कौन सी भाषा इनकी हो जाती है, तो ये कह रहे हैं कि जश्न की हमें आदत है, जीत की हमें आदत है, और थोड़ी देर पहले इस परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ था, खोजने से कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, लेकिन आला कमान ने कहा है एक घंटे का इंतजार कीजिए, रुझान और आने दीजिए, तब जश्न की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, तो आपने कहा बीजेपी के लोग कह रहे हैं जीतने की आदत, लेकिन सुबह इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, क्योंकि सब मान के चल रहे थे जो एग्जिट पोल है कहीं वो सच ना हो जाए, कहीं लालू के लाल तेजस्वी तेज ना कर दे। अब मुझे बताइए तेजस्वी के घर पर मधुरेंद्र क्या हो रहा है? मछली आई थी शुभ संकेत के लिए, बेस्ट ऑफ लक विश करने के लिए, मुझे लग रहा है फिर से नदी में उतर गई है मछली। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि मछली फिर से नदी में उतर गई है, मछली फिर से लगता है डूबने और उतराने लगी है, अगर हम यहाँ की भाषा में कहें तो। जाहिर तौर पर जिस मछली पर एक तरह से निगाहें टिकी थी, जिस मछली की आंखें जो है बिल्कुल ऐसी सधी हुई निशाने पर लग रही थी, वही मछली अब पानी में ढूंढने से नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, आप देखिए अगर मैं पूरे ही परिसर को दिखाना चाहूँगा तो सुबह से जो जमावड़ा शुरू हुआ था वो अब लगता है जैसे खाली होता हुआ नजर आ रहा है।
जहां पर जो भीड़ उम्मीद थी उमड़ने की, उस भीड़ पर लगता है कि जो रुझान सामने आए, जो रिजल्ट में तब्दील हो रहे हैं, उसने एक तरह से अंकुश लगा दिया है। और इसीलिए यहां इस वक्त आप देखिए कि पूरे सर्कुलर रोड पर दिखाऊं, जिसे पूरी तरह खाली कर दिया गया था इस उम्मीद के साथ कि कहीं यहां पर हुजूम अगर उमड़ेगा कार्यकर्ताओं का तो संभाले नहीं संभलेगा। ये सर्कुलर रोड फुल इस वक्त जो है खाली का खाली दिखाई दे रहा है। तो ये हालात है इस वक्त। तमाम रणनीति को लेकर भीतर बैठे हुए जो आरजेडी के नेता हैं, तेजस्वी भीतर हैं, तेज प्रताप भीतर हैं, साथी मनोज झा भीतर हैं, उनकी पूरी कोर टीम संजय यादव के साथ वो भीतर मौजूद है और रिजल्ट पर नजरें गड़ाए, नजरें टिकाए इस उम्मीद के साथ बैठी है कि कहीं कोई अब चमत्कार हो जाए। लेकिन अब चमत्कार का वक्त खत्म हो चुका है। 11:27 हो रहे हैं मधुरेंद्र, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 11:27 सुबह 8:30 से लगातार हम आपको न्यूज नेशन पर बता रहे थे एनडीए आगे है। बाकी लोग एग्जिट पोल को दिखा रहे थे, सब लोग महागठबंधन को आगे दिखा रहे थे, लेकिन न्यूज नेशन आपको बताता रहा एनडीए आगे है। और अब लग रहा है एनडीए सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए 134 पर आगे है, आरजेडी पिछड़ती हुई, महागठबंधन पिछड़ता हुआ, 99 सीटें एलजेपी के पास, 7 सीटें आदर्श के पास, 3 सीटें यानी साफ साफ सरकार बन रही है। बीजेपी को अगर हम देखें तो 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी उसके बाद 61 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है जेडीयू।